फिल्म निर्माता और निर्देशक इम्तियाज अली जो जल्दी अपनी आगामी फिल्म लैला मजनू लेकर आ रहे हैं, उनका कहना है कि इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली प्रेम कहानी जैसी कोई तत्व नहीं है। सोमवार को मुंबई में लैला मजनू के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इम्तियाज फिल्म की सह निर्माता एकता कपूर, अभिनेता अविनाश तिवारी, तृप्ति दिमारी और निर्देशक साजिद अली के साथ एक इवेंट में मौजूद थे। फिल्म के बारे में बात करते हुए इम्तियाज का कहना था कि इस प्रेम कहानी में बॉक्स ऑफिस पर एक सफल होने वाली सामान्य प्रेम कहानी जैसा कोई तत्व नहीं है। सो जैसा कि आपने देखा, जब नई लव स्टोरी बनती है उसमें जो भी चीज़ें समझी जाती हैं कि होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इस फिल्म में नहीं रखी हैं। देर इज़ नो चॉकलेट, देर इज़ नो पुडिंग, देर इज़ नो फ्लॉस, देर इज़ ओनली दोज थिंग्स दैट हैपन व्हेन समबडी ट्रूली फील्स दैट फीलिंग। और मुझे मालूम था कि इस पिक्चर को बनाने के लिए मुझे कुछ पागल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज नॉर्मल लोग नहीं बनाएंगे। बहुत ही अनसेफ फिल्म है, इसमें बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दोज सेलिंग पॉइंट्स वी डिड नॉट हैव, बट इट वाज अ स्टोरी फ्रॉम द हार्ट। फिल्म में मजनू के किरदार में अविनाश तिवारी नजर आ रहे हैं, तो वहीं लैला के किरदार में तृप्ति दिमारी दिखाई दे रही हैं। फिल्म एक प्रेम कहानी है और कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लैला मजनू की कहानी से प्रेरित है। वैसे तो फिल्म का नाम ही लैला मजनू रखा गया है, लेकिन फिल्म में पुरानी प्रेम कहानी की भावनाओं को लेते हुए नए लिबासों में उसको सजाया गया है। साजिद अली द्वारा निर्देशित ये फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और PI फिल्म्स द्वारा निर्मित है। ये फिल्म इस साल 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आनेस्ट रिपोर्ट।